till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग निकल चुके हैं घर से और हम लोग जा रहे हैं अपना शॉप का जो हमारा काम रहता है, सामान लेना रहता है जैसा आपको पता है। तो आजकल हम लोग जा रहे हैं मंडी, वहाँ हम किसी के थ्रू सामान मंगवाते हैं। जैसा मैंने, आप रेगुलर अगर व्यूअर हैं आपको पता है, तो वैसे हम लोग जाते थे झंझैली होते हुए। तो काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर्स ने कहा था कि करसोग से आना आप, वो वाला रूट बहुत ही अच्छा है। तो बस वहीं से हम निकले हैं और यहाँ देखिए सनराइज़ हो रहा है। तो मैं रुक कर आपको दिखा रही हूँ कि पहाड़ियों के बीच से सूरज जब उगता है ना, कितना सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। और बहुत सुबह मतलब शांति से मिलती है मन को। और स्टेशन जो है वो छोटे छोटे मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए, जो मेन मेन जगह है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हमें जल्दी भी पहुँचना होता है। तो देखिए हमारा जो है वो टूर कमर्शियल है, पर आप लोगों के लिए भी नई सी जगह देखने को मिल जाती है और थोड़ा अलग हो जाता है व्यूज़। आप सबको अच्छे लगते हैं पहाड़ियों के, और मतलब पहाड़ के आपको सारी सीनरीज अच्छी लगती है, तो ये आप लोगों का भी काम हो जाता है, अलग सा हो जाता है थोड़ा। तो ये हम जिस जंगल से आ रहे हैं ना, ये पूरा मतलब 14 किलोमीटर का था। और इसके बाद हम पहुंचे हैं ये स्टेशन पे। तो छोटा सा एक स्टेशन है और इसका नाम है केलोधार। ये देखिए यहाँ लगा है बोर्ड। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हालचाल मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो जैसा आपने देखा, हम लोग कहीं निकल गए हैं और जो पीछे मैंने आपको जंगल दिखाया ना, और अभी बोर्ड दिखाया केलोधार, तो हम केलोधार पहुँच गए हैं। और इसका नाम केलोधार शायद इसीलिए है क्योंकि ये जो पूरी धार है ना, जो पहाड़ी है पूरी, मतलब जितना भी एरिया है इसमें कायल के पेड़ हैं, है ना, इसीलिए शायद इसका नाम केलोधार है, क्योंकि ये पूरी धार पे कायल के पेड़ हैं, कैल बोलते हैं हमारी भाषा में। तो बहुत ही मतलब अच्छा था, पूरा जंगल जंगल का रास्ता था। और अभी हम जा रहे हैं आगे घूमने, तो जहाँ जा रहे हैं आपके साथ व्यू शेयर करते चलेंगे। तो हमने सोचा चलिए, बहुत दिन हो गए हैं घर में और आजकल कोरोना का भी थोड़ा कम है, मतलब उतना नहीं है, थोड़ा सा हो गया है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ठीक हो गया, मतलब आ गया है थोड़ा ठीक। तो मैंने कहा चलो कहीं थोड़ा सा ड्राइव पे चलते हैं, घूम के आते हैं थोड़ा सा। तो बच्चे तो चले गए थे, जैसा आपको पता है लास्ट वीडियो में आपने देखा, नाना नानी के पास बच्चे चले गए थे, माने ही नहीं। तो मैंने कहा चलो हम भी थोड़ा कहीं घूमने चलते हैं, आउटिंग सी हो जाती है, घर में भी बहुत ज़्यादा परेशान, बोर हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल से अभी काम ख़त्म हुआ तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा घूम लेते हैं। तो करसोग की तरफ हम जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर वैली है करसोग, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो रास्ता मेरी आवाज़ से आप आइडिया लगा सकते हैं, बिल्कुल मतलब बीच बीच में ना पैच पड़े होते हैं रास्ते में, जैसे थोड़ा सा ख़राब होता है वहाँ पर पैच डाल देते हैं और वो पैच फिर से उधड़ जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है। तो ऐसी हालत होती है पहाड़ों में रास्तों की, और अब जब बर्फ़ पड़ती है तो फिर वो पूरा जल जाता है। तो चलिए साथ साथ आपको भी आज सैर करवाते हैं करसोग की, बहुत ही सुंदर है। अंदर तो हम नहीं जाएंगे करसोग, तो बाहर बाहर से मतलब जो पूरी वैली है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। अभी ना हम यहाँ पे रुके थे, एक बहुत अच्छी सी जगह है, काफी जब भी हम आते हैं ना तब यहाँ रुकते हैं। और यहाँ ये पेड़ है देखो, ये कायल के पेड़ ना, और इसका जो इसके जो ये घास होता है ना, मतलब इसकी जो ये क्या बोलते हैं इसको, ये जो इसकी ये लंबी लंबी सी वो होती है, इसके बनते हैं वो छोटे झाड़ू, चूड़ा बोलते हैं हमारी भाषा में उसको ना, इसको मतलब इकट्ठा करते हैं और फिर इसको बांधते हैं। बहुत पक्का झाड़ू होता है इसका, बहुत टाइम तक चलता है, फिर हरे में ही इकट्ठे कर देते हैं, फिर सूख जाता है वो, हरे में बना के मतलब तोड़ के रख देते हैं ना, फिर सूख जाता है वो। और ये देखो ये है रसबरिया, अभी नहीं लगी है इसमें, इसमें ना बचपन में मतलब यहाँ पे नहीं, जहाँ शिमला में भी ये बहुत होती है रसबरियाँ, तो जब भी हम जाते थे ना खाते थे, ऑरेंज कलर की लगती है
और ठंड इतनी ज्यादा है। और देखियो देखो सारे में मतलब यही पेड़ है, सारे में है यही, और धूप उधर जाकर है। तो चलो चलते हैं फटाफट से। तो केलोधार से आगे निकलकर मतलब कुछ ही किलोमीटर के बाद करसोग आ जाता है। पूरी ये करसोग की वैली है, मैं आपको रुक कर दिखाऊंगी। मैंने आपको बताया था कि पूरे जंगलों में आजकल आग लगा रखी है ताकि पुराना घास जो है वो जल जाए और फिर नया घास जो है वो अच्छा आता है। तो इस वजह से मोस्टली जगह आग लगी रहती है और उसकी वजह से ना धुआं धुआं हो जाता है, तो कुछ क्लियर नहीं आ पाता। और हर जगह रुक कर वीडियो बनाना फिर हमारा मतलब हमें भी देर हो जाती है। तो चलती गाड़ी से मैं आप लोगों के लिए कैप्चर कर लेती हूँ और मौसम देख सकते हैं आप। सुबह तो ये लग रहा था मतलब बारिश ही हो जाएगी, मतलब धुंध थी ना उसकी वजह से ऐसा लग रहा था मौसम खराब है। पर अब देखिए आप धूप कितनी अच्छी खिल गई है और पेड़ों के बीच से जब सूरज की किरणें आती है ना बहुत ही अच्छी लगती है। मोस्टली सीनरीज में ऐसी देखने को बहुत अच्छी लगती है जहाँ पिक्चर्स होती है। तो देखिए आपको मैं रियलिटी में दिखा रही हूँ और पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं चारों ओर और लोग देखिए अपने कामों में लग गए हैं, कोई खेतों के कामों में, कोई कहीं जाने की तैयारी में। सब लोग दूध, जैसे हिमाचल में दूध बेचते हैं लोग, तो काफ़ी लोग दूध को लेकर खड़े रहते हैं। और उसके बाद ये देखिए पहुंच गए हैं हम, यहाँ से जंजैहली पूरा दिख रहा है, बहुत ही सुंदर है ये। तो मैं आपको ना थोड़ा रुक कर दिखाती हूँ, आगे गाड़ी रोक कर मैं आपको इसका व्यू देती हूँ। पिकनिक सा स्पॉट है ये, अगर पिकनिक मनाने आप यहाँ आओ ना, ये जंगलों में बहुत ही सुंदर लगेगा। तो ये देखिए मैं रुक कर आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितनी प्यारी सी बीच में पहाड़ी है और ये पूरा करसोग है देखिए। और जब ये हरे भरे खेत होते हैं ना लहराते हुए, तो आप यकीन मानो यहाँ से जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता, दिल करता है देखते रहे। तो ये देखिए ये है पूरी करसोग वैली, बहुत सुंदर है ये ऊपर से लेकर बिल्कुल नीचे तक। और यहाँ पर जो ये खेत है ना ये आजकल सूखा है तो इसीलिए ऐसे दिख रहे हैं। और जब मतलब गर्मी में आते हैं ना, जब इसमें धान लगा होता है, गेहूं लगे होते हैं, पूरा ये ग्रीन दिखता है। बहुत सारे मतलब हिमाचल टूरिज्म का जो है ना उसमें भी इसकी फ़ोटो होती है करसोग वैली की, बहुत ही सुंदर लगता है। तो देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, उस पर पूरे ये कायल के पेड़ है ये देखिए। और ये नीचे वाला जो है ना ये सारा मतलब क्यार है लोगों के। और यहाँ हम गए थे बाज़ार जो है करसोग जो है ये उधर से लेकर स्टार्ट हो जाता है, ये ऐसे 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 करके नीचे तक बिल्कुल। और यहाँ से शॉर्टकट रास्ता है, अगर नीचे दिख रहा होगा ये देखिए बिल्कुल, यहाँ से शॉर्टकट रास्ता है बाज़ार के लिए। और हम जा रहे हैं आगे, तो नीचे तो हम नहीं जाएंगे, पर बहुत सुंदर है, तंग तंग सा है पर बहुत प्यारा है। बाज़ार काफ़ी बड़ा है और बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर लगता है। मुझे ऐसा लग रहा था ना कि भाई आज ये बिल्कुल ऐसा ग्रीन ग्रीन होगा, पर मेरे माइंड से बात निकल गई थी कि अभी कुछ नहीं होता है, आजकल खेतों में कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ सेब तो नहीं है। हमारी तरफ सेब होते हैं ना तो उसमें आजकल काम रहता है, तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ खाली है खेत सारे। कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा सब्जी वगैरह लोगों ने लगाई है, पर मोस्टली है तो है, थोड़ी थोड़ी जगह है, अभी कुछ उगा नहीं है ना इसलिए बिल्कुल वो दिख रहे हैं, मतलब सूखे सूखे से दिख रहे हैं। देखिए ये देखिए बहुत सुंदर है, चलिए चलते हैं। और अब ये जो है ये स्नारली स्टेशन है और यहाँ पर देखिए छोटा सा बस स्टैंड है, तो आप देख सकते हैं कितना छोटू सा बस स्टैंड है और बसेस खड़ी है यहाँ पर। और छोटे छोटे स्टेशन होते हैं ना जगह की पहाड़ों में, मतलब दिक्कत रहती है। तो ये देखिए ये स्नारली स्टेशन है, ये सामने जो रोड गया ये करसोग को जाता है और हम जाएंगे ऊपर वाले रोड में क्योंकि हमें यहाँ से मंडी जाना है। तो बस हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे और रास्ता जो है बहुत अच्छा है। तो ये हम बखरौट एक स्टेशन आता है, वहाँ से एक माहुनाग मंदिर को जाता है और दूसरा ये अंदर को कट जाता है। और बहुत ही सुंदर यहाँ का व्यू था, बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत खुला खुला सा एरिया था और रास्ता जो है ना वो बिल्कुल मक्खन की तरह साफ था, ये बहुत ही अच्छी बात थी इस रास्ते की। तो ये देखिए कितना सुंदर व्यू है। अभी हम रुके हैं यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए, पता नहीं कौन सी जगह है, देखते हैं पता करो तभी उतरो, तो है लिखा हुआ ब्रेकफास्ट यहाँ पे ना, कहीं भी मतलब कोई भी ढाबा होटल कुछ नहीं था। देखते हैं क्या बना होगा, चलते हैं बाहर।
नहीं यहाँ पर नहीं है पराठे, कहीं आगे ही जाना पड़ेगा हमें। यहाँ पर ना राइस है, सुबह सुबह कौन राइस खाएगा। ये किस चीज के पेड़ है, हमें उस होटल वाले ने कहा कि आधा किलोमीटर आगे जाओ पराठे मिल जाएंगे, और हम लोग 6 किलोमीटर आगे आ गए। पराठा मतलब कोई नामो निशान नहीं है, शायद वो शॉप बंद थी मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये वाला जो रूट है ना, मतलब रोड तो ये बहुत अच्छा है, साफ सुथरा, और यहाँ पर होटल वगैरह कम है थोड़ा, मतलब जैसे नेशनल हाईवे पे रहते हैं ना, और यहाँ नहीं है, यहाँ कहीं भी नहीं है। गाँव गाँव से है यहाँ पर, और नज़दीक नज़दीक है पर होटल वगैरह नहीं है, शॉप्स हैं। अब देखिए कहाँ तक हम भूखे रहते हैं, और भूख लग गई है इतनी ज़बरदस्त वाली। देखते हैं अब कहाँ मिलता है आगे हमें कुछ खाने को। पराठे सोच रहे थे, पराठे खा लेते या सब्जी चपाती कहीं मिल जाती, मुश्किल लग रहा है अब तो। तो फाइनली हम लोगों को एक चौकी, 1 किलोमीटर है यहाँ से, यहाँ पर हमें एक होटल मिल गया, और यहाँ पर परांठे बने हैं। यहाँ देखिए पानी, हिमाचल में ना पानी ऐसा मिलेगा, मतलब देखो वेस्ट हो रहा है कितना ज़्यादा है। तो ये हाइट से आता है ना पिघल के, और मतलब हर जगह मिलता है ऐसा पानी ठंडा। तो चलिए अब हम करते हैं अपना ब्रेकफास्ट, फ्री का पानी मिलता है यहाँ पे। यहाँ कुछ प्रोजेक्ट है क्या, किस चीज़ की वो है ये मशीन, मिक्सचर। तो बस हम लोग ना यहाँ बाहर ही बैठ गए, और इनकी मतलब इन्होंने जो ये ढाबा है यहाँ बाहर ही चेयर्स लगा रखी है, ताकि धूप में बैठकर लोग यहाँ पर खाना खा सके, ब्रेकफास्ट कर सके, लंच कर सके। और धूप इतनी अच्छी लग रही है ना अभी, और मन कर रहा था यहीं पर बैठ जाएं, क्योंकि हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं गाड़ी में सफ़र में। तो ब्लोर लगाते हैं, पर ब्लोर से ना मेरे तो सर दर्द हो जाती है अगर हम ब्लोर को लगाते हैं गाड़ी में, तो उस वजह से थोड़ा सा चलाती हूँ फिर बंद कर देती हूँ, मेरी तबीयत एकदम से ख़राब हो जाती है। और यहाँ स्टेशन में बर्फ़ पड़ती है, तो देखिए धूप तो इतनी अच्छी लगी है, पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मतलब मज़ा आ रहा है धूप में, और धूप आप देख सकते हैं। तो बस हमारी चाय भी आ गई है, अब हम अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं फिर निकलते हैं आगे की तरफ। और यहाँ पर हस्बैंड पूछ रहे हैं आप सबको चाय पीने के लिए, कि आप लोग भी चाय पीने आ जाइए, आप लोग अपने अपने घरों में चाय पी रहे होंगे। तो बस ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकले, और चौकी से 2-3 किलोमीटर आगे आकर आता है रोहांडा स्टेशन। तो देखिए यहाँ इतना सुंदर सा मंदिर था ना, कोशिश कर रही थी दिखाने की, तो ये देखिए एक बड़ा सा पत्थर है, चट्टान है ये, और इस पर हनुमान जी की किसी ने मतलब पेंटिंग की हुई है, तस्वीर बनाई है, बहुत ही सुंदर लगती है। तो लाइट पड़ रही थी उस वजह से क्लियर नहीं दिख पाई, वापसी में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये है रोहांडा स्टेशन, और यहाँ के ना मतलब मुझे सबसे अच्छे लगते हैं यहाँ के घरों की छतें। हमारी तरफ ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मतलब दादी नानी के टाइम में ऐसे घर होते थे, अब इस तरीके के घर कोई नहीं बनाता। और यहाँ पर जो नए घर भी बनते हैं ना, उस पर भी इस तरीके की छत लगाते हैं, कारण वही है मैंने काफ़ी टाइम बताया है कि बर्फ़ पड़ती है, और बर्फ़ इस पर फिर रुकती नहीं है। अगर स्लैब डालते हैं ना, तो स्लैब के ऊपर फिर बर्फ़ रुक जाती है, वो जल जाता है, ख़राब हो जाता है स्लैब, दरार आ जाती है। तो इस वजह से यहाँ इसी तरीके की स्लेट्स वाले घर होते हैं, और ऐसा सुनने में आता है कि ये गर्म भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये देखिए ये है रोहांडा स्टेशन, और बस अब यहाँ से हम निकलेंगे, और उसके बाद सीधा मैं आपसे मिल रही हूँ चैल चौक पहुँच कर। और बहुत ही अच्छा ये रूट था, और थोड़ा बहुत बीच में थोड़ी मतलब परेशानियाँ तो नहीं कह सकते, कन्फ्यूज़ हुए थोड़ा, पर पता लग गया पूछ पूछ के हम लोग पहुँच गए। और यहाँ से अब हम पहुँचेंगे मंडी, अपना काम करेंगे, और उसके बाद देखिए कब फ्री होते हैं। अगर आज ही फ्री हो गए जल्दी तो हम निकल जाएंगे, और अगर नहीं फ्री हुए तो फिर शायद कल जाएंगे। तो ये चैल चौक का बाज़ार है, काफ़ी बड़ा है ये भी। तो ये देखिए दूसरी मतलब पहली बार जब हम आए थे ना, तो यहाँ यहीं से हमारा रास्ता कट जाता है झंझैली वाला। तो ये देखिए यहाँ से सारा मेंशन है कहाँ कितना टाइम लगेगा पहुँचने के लिए। तो चलिए अब मैं हम मतलब मंडी पहुँच कर अपना काम करेंगे, और आपसे मैं अब सीधी शाम में ही मिलूँगी जब फ्री हो जाऊँगी। गुड इवनिंग, तो अभी टाइम हो गया है 6:30-7:15 का, लाइट गई है, क्यों गई होगी यार, अरे बाप रे। तो अभी टाइम हो गया है 6:30-7:15 का टाइम हो गया है, और हम लोग ना लेट हो गए, लेट तो क्या हो गया, अंधेरा हो ही जाता है।
जो हमारा काम था वो हो गया, और अभी जो है कर्फ्यू है रात में, मतलब 8 बजे के बाद बंद हो जाता है, नाइट कर्फ्यू है, तो हमें यहीं ठहरना पड़ेगा क्योंकि 1 घंटे में हम जहाँ पहुँचेंगे वो जंगल का रास्ता होगा और वहाँ फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर बस होटल का पता करने गए हैं हस्बैंड, इधर पार्किंग वगैरह का, क्योंकि ये बिल्कुल हाईवे पे ही है ना, गाड़ी लगाने की भी दिक्कत रहती है। तो बस हो गया हमारा काम। हाँ, रूम देखना। ठीक है, तो अब जा रहे हैं हम रूम देखने, क्योंकि आजकल कोरोना काल में ना डर ही लगता है। तो अभी हम जा रहे हैं रूम देखने। अरे बाबा, और कितना ऊपर है, थक गए। तो रूम हमने देख लिया और रूम ना काफी अच्छा है, ठीक है, मतलब सब कुछ है यहाँ पर, अरेंजमेंट और साफ सुथरा है, सबसे बड़ी बात है, और सैनिटाइज करवा लिया है। तो हम लोग ना अभी निकलने वाले थे, हमें आइडिया नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था, ये था कि आधे रास्ते तक हम पहुंच जाएंगे, बट 8 बजे के बाद ना कर्फ्यू हुआ है, नाइट कर्फ्यू हुआ है, तो फिर रिस्क नहीं लेना चाहिए, ऐसे में नहीं जाना चाहिए। और हम पहुंचने थे 12 बजे, तो जहां हम जाते हैं हमारे रिलेटिव के, फिर वहां तक भी हमें मतलब देर हो जानी थी, तो इसलिए हम लोगों ने फिर यही सोचा कि चलो यहीं ठहर जाते हैं। हालांकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है होटल्स वगैरह में रुकना, और आजकल ना डर लगा रहता है कोरोना करके, तो पहले वही बात कर ली थी कि कुछ ऐसा तो नहीं है, सैनिटाइज वगैरह तो सब कुछ हो गया, फिर अभी आए हैं। और बस अब मैं ना यहाँ पर देख रही थी, बस अब देख रही थी क्या ऑर्डर करें, कुछ खाने का ना मन नहीं करता ऐसे में जब बाहर जाते हैं, थक गए पूरा दिन आज, और हस्बैंड गए हैं यहाँ बाहर, यहाँ ये वाला जो डोर है ना, इसके बाहर इतनी प्यारी गैलरी है, डाइनिंग टेबल लगे हैं वहाँ पर, तो मतलब 3 ये रूम है, कॉमन रूम की गैलरी है, डाइनिंग टेबल अलग अलग लगे हैं, बहुत सुंदर है। तो आजकल तो सर्दियों में वैसे भी बाहर नहीं बैठ सकते, ठंडी हवा चलती है, आजकल तो बिस्तर में घुस जाओ वही है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, यहाँ इतनी नहीं है, हमारी तरफ ज़्यादा है। तो टीवी लगाया था हस्बैंड ने, फिर बाहर चले गए, कहते थोड़ी देर इधर उधर चलता हूँ, टांगे जाम हो जाती है, तो देखते हैं टाइम। अभी मैं आपको बता दूँ, बाहर गए थे, गाड़ी वगैरह की वो हो रही थी, 7:15 हो गए हैं, गाड़ी वगैरह लगाई, और उसके बाद फिर पहले रूम देखा, फिर उसके बाद सैनिटाइज किया, फिर अंदर आए। तो अब खाना ऑर्डर करते हैं, 8:30 के करीब करेंगे, आज लंच भी नहीं किया हमने अच्छे से। तो 8:30 के करीब हम लोगों ने डिनर अपना ऑर्डर कर दिया था, तो आपको पता है हस्बैंड का फेवरेट पनीर और राजमा, इसके अलावा कुछ खाते नहीं, तो पनीर ऑर्डर किया है, कढ़ाई पनीर, सैलेड और चपाती। गुड मॉर्निंग, रात में ना मैं मतलब वीडियो का एंड मैंने नहीं किया, खाना खाया और उसके बाद बस थोड़ा सा मैं लेट गई थी और मुझे नींद आ गई, तो मैं बिल्कुल मतलब वैसे ही सो गई थी, थक गई थी पूरा दिन खड़े खड़े। और ये रहे हस्बैंड, हेलो, ये भी हो गए रेडी। टाइम जो है वो 7:30 का हो रहा है, क्योंकि सुबह उठ गए थे, पर बाहर धुंध ही धुंध है बिल्कुल, तो धुंध में गाड़ी चलाने का मतलब दिखता नहीं है आगे कुछ भी, तो हम वेट कर रहे थे थोड़ा धुंध कम हो जाए, पर अभी भी नहीं कम हुई है। हम लोग तैयार हो गए हैं और बस अब निकल रहे हैं, धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि शॉप भी बंद है, शॉप भी खोलनी है, तो मुझे लगा चलिए मैं वीडियो का एंड भी कर देती हूँ। वैसे अगर छोड़ दो ना वीडियो, अजीब सी लगती है आधी। हाँ, क्या नहीं खुल, क्या हुआ? तो बस अभी चाय के लिए बोला था यहाँ पर स्टाफ अभी नहीं आया है, सुबह सुबह नहीं आया था ना, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आगे रास्ते में देखेंगे, निकल लेते हैं अब फटाफट। और चलिए अब हम निकलते हैं, मास्क ले लिया है, आगे का जो है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और इतने सारे कमेंट आ जा रहे हैं ना, वीडियो नहीं आई, बस अपलोडिंग पे रात में मैंने एडिट की थी और अपलोडिंग पे अभी लगाऊंगी, उसके बाद आज कोशिश करूँगी आप तक पहुँच जाए। तो चलिए, आज है 24 तारीख है आज, और 21 से लेकर शायद वीडियो नहीं आ रहा, हाँ 21, 22, 23, 24, तो आज अपलोड हो जाएगा। तो चलिए फिर अब चलेंगे हम वापस, और देखते हैं रास्ते में कुछ खास लगा तो शेयर करूँगी, नहीं तो मैं सीधा वहीं जाकर करूँगी।
बाकी देखते हैं जैसा होगा। तो चलिए करते हैं इस वीडियो का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।